हमारे साथ तेजिंदर बग्गा इस वक्त जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और लगातार पोस्टर्स के जरिए वो बीजेपी पर निशाना साधते रहते हैं। तेजिंदर, अभी तक के जो आंकड़े सामने आए हैं 121 पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी 117 पर, उत्साह में है बीजेपी लेकिन लग रहा है कि मामला थोड़ा फंस गया है। 126 चाहिए बहुमत के लिए, कहां से लाएंगे उतनी सीटें आप? चित्रा जी, आप चिंता मत करिए, जहां आप हमें 60 दे रहे थे हम 121 पे पहुंच गए हैं, तो हमें पूरा विश्वास है हम 126 भी पार कर लेंगे। जितने भी टीवी चैनल से जितने भी एग्जिट पोल थे, भारतीय जनता पार्टी को 60 से 70 के अंदर समेट रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी अभी जितने भी चाहे आप चुनाव आयोग का देखो, टीवी चैनल पे देखो, भारतीय जनता पार्टी या तो बहुमत के करीब है या बहुमत को पार करने जा रही है। मुझे लगता है जैसे जैसे ये वोटिंग का अपना काउंटिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे राउंड्स बढ़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी 150 को पार करेगी और भारतीय जनता पार्टी चौथी बार एमसीडी के अंदर दिल्ली में सरकार बनाने। मामला अगर फंस गया तो क्या करेंगे? अगर हंग स्थिति त्रिशंकु एमसीडी बन गई तो फिर कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर रहेगी नजर? आप चिंता मत करिए। अच्छा, कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी क्या इस बार? मुझे जानकारी नहीं है कि कांग्रेस दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ रही है। यही 7 सीटें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको अंदाजा नहीं है कि ये 7 किधर जहाँ पे भी जाएंगे उसका मेयर बनवा देंगे। मुझे जानकारी नहीं। तेजिंदर बग्गा, एक सवाल मेरा आपसे है। आप जिस दिन एग्जिट पोल आए थे, मनोज तिवारी ने ये स्टेटमेंट दिया, कहा कि देखिए हमारे खिलाफ माहौल था, हमने उसे कवर करने की कोशिश की। अब कवर करते करते आप बहुमत के करीब पहुंच गए हैं, तो सवाल आपसे ये है कि जो शुरू में आप पिछड़ रहे थे या 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी या बाकी माहौल खिलाफ था, क्या वजह रही जो आप लोगों ने कवर कर लिया? क्योंकि एग्जिट पोल को आप लोगों ने गलत साबित किया ज्यादातर, ये बात अभी कम से कम नजर आ रही है, आगे क्या होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन क्या वादे रहे? वो जो वीडियो रहा वो असर कर गया या कुछ और बातें रही, वो जरा हमें फैक्टर बताइए, एक फैक्टर जिसकी वजह से आज आप लड़ाई में नजर आ रहे हैं। देखिए, बहुत से कारण होते हैं चुनाव के अंदर, सिर्फ एक कारण नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ा चीज ये है कि दिल्ली के अंदर पिछले 8 साल पहले और 3 साल पहले एक सरकार आई थी जिसने बहुत से झूठे वादे किए थे, जिसने फर्जी विज्ञापन दिए थे और जिसके बल पे वो 2 बारी सत्ता में आई, लेकिन आज जनता ने उन लोगों को अस्वीकार कर दिया है। ये चुनाव को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा, उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी इस रूप से आज आपको दिख रही है टक्कर में या पूर्ण रूप से बहुमत से आती दिख रही है, इसका कारण यही है कि दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करते हैं, वो आम आदमी पार्टी को पहचान चुके हैं। और आज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव को नहीं जीतेगी, मैं आपको कह रहा हूं दिल्ली के जो वोटर हैं वो आज एक फैसला देने जा रहे हैं, केजरीवाल मुक्त दिल्ली, आज केजरीवाल मुक्त दिल्ली का आगाज होने जा रहा है। कहां ऐसा है बग्गा साहब, आम आदमी पार्टी 123 के साथ अभी भी नंबर 1 पार्टी बनी हुई है, अब तक के जो रुझान आए हैं उसमें नंबर 2 पार्टी 115 के साथ भारतीय जनता पार्टी, आप कह रहे हैं दिल्ली मुक्त केजरीवाल, वो नारा अभी तो काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, नंबर 1 तो अभी आंकड़ों में आम आदमी पार्टी। आप चिंता मत करिए चित्रा जी, आपका ही चैनल 2 घंटे पहले हमें 40 सीटें पीछे दिखा रहा था और आप ही के चैनल ने हमें 60 सीटों पे समेट दिया था। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जहाँ आप 14 सीटों के साथ आप नंबर 2 पर हैं, हमारा ही वो चैनल है बग्गा साहब जो ये भी बता रहा है कि कड़ी और बड़ी फाइट दे रही है बीजेपी। चित्रा जी, मैं चिंता मत करिए, कौन सा मुद्दा रहा बीजेपी के पक्ष में काम कर गया? वो जो क्लीन स्वीप का नारा अरविंद केजरीवाल की ओर से दिया जा रहा था, कौन सा नारा है आपको लग रहा है जो बीजेपी के पक्ष में, अगर वो नंबर 2 114 के साथ रहती है और हंग एमसीडी की ओर ये इशारा मिल रहा है, कौन से मुद्दे पर भारी पड़ी बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 5 शब्द का एक नारा दिया था, सेवा ही विचार नहीं खोखले प्रचार। मुझे लगता है इस नारे के अंदर सब कुछ आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल दिल्ली की जनता की सेवा की और हमारे पास पैसे नहीं थे विज्ञापन के लिए, हमने कोई ऐसा नहीं है कि हमने अपना सारा बजट विज्ञापन में कर दिया, उन लोगों ने खोखले प्रचार किए, उन लोगों ने कार्य नहीं किए, ऐसे बहुत सी सारी चीजें थी जो हमने आपको चुनाव के कैंपेन में बताई। जिंदर बग्गा, देखिए जो गैप है वो 14 का हो चुका है, 126 पर आम आदमी पार्टी है जो रुझान में बहुमत पा चुकी है, आप 112 पर है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि केजरीवाल से मन हट गया है, पिछली बार 48 पार्षद उनके थे, इस बार अगर वो 126 के आसपास है और आप 181 से 112 पर, तो इसे जीत के तौर पर आप देख रहे हैं या कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एग्जिट पोल के मुकाबले आप बेहतर है लेकिन पिछली बार के मुकाबले आप कम है और उन्हें ऑलमोस्ट ट्रिपल सीटें मिल रही है, डबल से ज्यादा।
उसके बाद दिल्ली का विधानसभा का चुनाव भी हुआ जिसमें 70 में से वो 63 सीटें जीत के 90% सीटें जीते हैं, और उन्होंने यही दावा किया था कि जिस प्रकार से उन्होंने विधानसभा में अपना जो प्रदर्शन किया था उसी प्रकार से दिल्ली के अंदर प्रदर्शन करेंगे। और अभी कुछ देर पहले सौरभ भारद्वाज आपके टीवी चैनल पे आके कह रहे थे 220 सीटें जीत सकते हैं। तो आप, मैं आपको कह रहा हूं कि इस बार, क्योंकि पिछली बार 3 पार्टियां दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ रही थी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इस बार सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी लड़ रही थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लड़के चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने अपना टोटल वोट बैंक आम आदमी पार्टी के प्रति शिफ्ट कर दिया। और अब देखिए सुबह के 10 बजने जा रहे हैं, जल्दी से वो आंकड़ा अपने दर्शकों के सामने हम रखते हैं। 250 वोट के ये जो आंकड़े सामने आए हैं, रुझानों के फाइनल नतीजे आने अभी बाकी हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी बीजेपी पर अपनी लीड ली हुई है 127 के साथ, जबकि बीजेपी 111 के साथ। आप देख पा रहे हैं बीजेपी कड़ी फाइट दे रही है।